तो देखिए आप यहाँ पर जैसे ही मेला शुरू हुआ है, यहाँ पर जो जंपिंग झूला लगा हुआ है मेले में, तो इसका जो आनंद है यहाँ पर बच्चे ले रहे हैं। मेले में काफ़ी सारे जो कार्टून टाइप के जो खिलौने वगैरह होते हैं तो यहाँ पर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, तरंगे देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर खड़े गणेश जी मंदिर को सजा दिया गया है। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए जो गणेश जी महाराज का जो नया मंदिर यहाँ पर बना है, कितना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों कल है 7 सितंबर यानी कि गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी के इस उपलक्ष्य में काफ़ी सारे जो भव्य पांडाल हैं भगवान गणेश जी के बनते हैं और जो मंडप वगैरह वो भी सजते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी झूला लगा हुआ है, मतलब मैं आपको अभी यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ खड़े गणेश जी मंदिर, जहाँ पर जो हर साल है मेला लगता है। तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 लाख जो श्रद्धालु हैं भगवान गणेश जी के दर्शन करते हैं। और ये जो गणेश जी हैं यहाँ पर खड़े गणेश जी, ये खड़ी मुद्रा में, और आपने देखा होगा तो वहाँ पर बैठी मुद्रा में आपने गणेश जी देखे होंगे, लेकिन जो खड़े गणेश जी मंदिर है ये प्रसिद्ध है खड़े होने के कारण। तो मैं आपको लेकर के चलूँगा मेले में और दिखाऊँगा किस तरीके का जो मेला यहाँ पर खड़े गणेश जी मंदिर पर लगता है। तो सामने आप देखिए वहाँ पर रामचरण सर्किल है, और रामचरण सर्किल से जस्ट जैसे आप आगे आएंगे तो यहाँ पर ये जो नया इंदिरा मार्केट न्यू मॉल है ये अभी बन रहा है, और इसी के जस्ट पास में आप यहाँ पर देख सकते हैं झूले वगैरह लगे हुए हैं। और सामने आपको खड़े गणेश जी जो मंदिर है वो दिखाई देगा। तो सामने देख सकते हैं वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जो मंदिर है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी के पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेन गेट लगा हुआ है। तो मैं आपको पहले यहाँ पर मेला परिसर घुमा देता हूँ, किस तरीके की जो दुकानें वगैरह यहाँ पर लगी हुई है। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे ही मेला शुरू हुआ है, यहाँ पर जो जंपिंग झूला लगा हुआ है मेले में, तो इसका जो आनंद है यहाँ पर बच्चे ले रहे हैं। और कल से यहाँ पर काफ़ी सारी जो भीड़ आपको देखने को मिलेगी। सामने आप देख सकते हैं इधर दुकानें वगैरह लगेगी, इस साइड भी आप देख सकते हैं अभी जो कुछ दुकानें यहाँ पर लग चुकी है, और कुछ लोगों ने यहाँ पर जो जगह भी है चिन्हित कर दी है, मतलब कल यहाँ पर चाट पकौड़ी की दुकानें वगैरह है, काफ़ी सारी दुकानें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैं खड़े गणेश जी के मुख्य चौराहे पर आपको लेकर के आ चुका हूँ। इस चौराहे को बोलते हैं धरनीधर चौराहा, और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन गेट लगा हुआ है, और इसी के पास में यहाँ पर श्री चैतन्य प्रेम भक्ति धाम जो मंदिर है ये बना हुआ है। और ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर पूरा मेला लगता है खड़े गणेश जी का। इधर भी आप देख सकते हैं जो दुकानदार भाई यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आ चुके हैं, और अपनी जो जगह यहाँ पर उन्होंने चिन्हित कर लिया है कि कहाँ पर दुकान वगैरह लगाना है। तो ये पूरा यहाँ पर मेले का माहौल रहने वाला है, और इधर भी आपको पूरा मेले का माहौल दिखेगा। उधर भी मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलूँगा, दिखाऊँगा किस तरीके की दुकानें वहाँ पर लगी हुई है। और मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में मंदिर पड़ता है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर इधर जो मेला परिसर है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सभी दुकानदार भाई हैं अपनी दुकान को यहाँ पर जमाने में लगे हुए हैं, और इधर भी आप देख सकते हैं दोनों साइड पर यहाँ पर दुकानें लगी हुई है। इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो कुछ दुकानदार यहाँ पर इस साइड भी दुकान लगा रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर जगह को लेकर देखिए किस तरीके से बिड़ रहे हैं अभी, क्योंकि सभी को यहाँ पर दुकान लगानी होती है मेले में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये संत कबीर सर्किल, जो कबीर सर्किल है दोस्तों ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जस्ट पास में पड़ता है। और इधर आप देखेंगे तो ये मंदिर का रास्ता जाता है खड़े गणेश मंदिर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो स्टॉल वगैरह लगी हुई है, और ये सर्किल है जो नया बना है, काफ़ी खूबसूरत सर्किल है यहाँ पर ये संत कबीर सर्किल। और यहाँ पर आप देखिए भगवान गणेश जी की आपको काफ़ी सारी जो वैरायटी की मूर्तियाँ हैं वगैरह हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हैं इनकी कॉस्ट की भी हम बात करेंगे, क्या कॉस्ट है ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत जो मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई हुई है। और इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो मूर्तियाँ वगैरह हैं यहाँ पर रखी हुई है, काफ़ी सारी वेरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी क्योंकि कल गणेश उत्सव है। क्या क्या प्राइस में भाई मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पे है? यहाँ की मूर्ति पड़ेगी आपको जी क्या प्राइस में पड़ेगी? 1600 की पड़ेगी। तो स्टार्टिंग प्राइस क्या है आपकी? स्टार्टिंग है 250 से स्टार्ट है जी, और फिर 500 मतलब 250 से स्टार्ट है आपकी मूर्ति की रेट, और मैक्सिमम कितना है मतलब हाईएस्ट? अरे 500 वाली है जी, 750 वाली है। तो दोस्तों अगर आपको मूर्ति वगैरह यहाँ से लेनी है जो संत कबीर सर्किल पड़ता है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जस्ट पास में, तो यहाँ पर भाई की शॉप लगी हुई है भाई की, यहाँ पर आप इनसे आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जो मिनिमम प्राइस है वो 250 रुपये है, और मैक्सिमम आप 1500 से ऊपर कोई सी भी जो मूर्ति है आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी सारी जो मूर्तियाँ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इधर भी आप देख सकते हैं छोटी बड़ी किसी भी साइज़ की मतलब आप मूर्ति लेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर बनाई हुई है, और अगर आप हैंडमेड बनाना चाहते हैं मिट्टी की तो वो भी आप घर से बना सकते हैं, और अगर ख़रीदना चाहते हैं बनी बनाए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप काफ़ी सारी जो मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई है, पूरे चौराहे पर यहाँ पर आपको मूर्तियाँ नज़र आएगी। ये देख सकते हैं आप खूबसूरत जो मूर्तियाँ यहाँ पर
आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आगे भी आपको काफ़ी सारी जो मूर्तियाँ यहाँ पर गणेश जी की अलग अलग तरीके की मिल जाएगी। तो ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पर है गणेश जी की, इधर भी आप देख सकते हैं सभी को यहाँ पर अभी पॉलिथीन में पैक किया हुआ है। और कल गणेश उत्सव है तो उसके लिए काफ़ी सारे जो भक्त हैं यहाँ पर आ रहे हैं, देख सकते हैं रंग बिरंगी अलग अलग कलर में जो गणेश जी की मूर्तियाँ हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। डिजाइन नहीं मिलने का सर, ये देख सकते हैं आप आज अगर आते हैं आज ही तो काफ़ी सारी जो वैरायटी आपको यहाँ पर आज देखने को मिलेगी। और कुछ मूर्तियों को यहाँ पर कवर भी किया हुआ है क्योंकि कुछ को यहाँ पर ऑर्डर से बनाया जाता है। सामने वहाँ पर जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं वो नगर सेट गणेश जी का है, मतलब गणेश नगर का जो सेट है वहाँ पर विराजमान है। तो उसका एक सेपरेट ब्लॉग दोस्तों मैं आपको पूरा बताऊँगा। मेले में काफ़ी सारे जो कार्टून टाइम के जो खिलौने वगैरह होते हैं तो यहाँ पर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप रंग बिरंगी जो गाड़ी वगैरह है, उसके अलावा जो मुकेट वगैरह हैं तो यहाँ पर आ चुके हैं काफ़ी सारे जो दुकानदार भाई यहाँ पर खिलौने वगैरह लेकर के और पहुँच चुके हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी उत्साहित रहते हैं खिलौने वगैरह लेकर के। इधर भी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप काफ़ी सारे जो खिलौने वगैरह है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चारों तरफ आपको यहाँ पर जो खिलौनों की शॉप वगैरह है वो मिलेगी, और साथ में मूर्तियाँ वगैरह अगर आप खरीदना चाहते हैं यहाँ से तो वो भी खरीद सकते हैं। और ये खूबसूरत सर्किल यहाँ पर संत कबीर स्तंभ जिसको बोलते हैं यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अब मैं सीधा आपको लेकर के चलता हूँ मंदिर परिसर की ओर। इधर आप देखिए, जैसे ही आप गेट से अंदर आएंगे तो इस तरीके का जो व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे जो दुकानदार हैं यहाँ पर अपनी दुकानों को सजाने में लगे हुए हैं। और ये यहाँ पर आगे देख सकते हैं पूरा लड्डू मार्केट आ जाता है यहाँ पर खड़े गणेश जी का। और यहाँ पर एक विशाल आम भंडारा भी चलता है जिसमें लगभग 4 से 5 लाख जो भक्त हैं यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप सेठ भामाशाह युवा मंडल की तरफ से ये जो भंडारा है चलता है, 13वां विशाल आम भंडारा है। और 7 तारीख देख सकते हैं 7 सितंबर को ये आम भंडारा चलेगा। इधर भी आप देखिए पूरा ये लड्डू मार्केट है। और आज तो यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह भी आ रही है, बट कल जब यहाँ पर भीड़ रहेगी तो जो मार्केट मतलब पीछे आपको दिखाया था मैंने सामने वो मेन गेट, उससे पीछे गाड़ियाँ वगैरह वहाँ पर रहेगी, पार्किंग वगैरह सुविधा वहाँ पर रहेगी। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर अभी जो दुकानदार वगैरह हैं ये आए हुए हैं और अपनी दुकानों को यहाँ पर लगाने में जुटे हुए हैं। गेट से आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो गणेश उद्यान का मेन गेट है ये भी दिखाई देगा। ये पूरा यहाँ पर लड्डू मार्केट है। और इधर आप सामने देखिए, इधर पूरे लड्डू वगैरह की शॉप लगी हुई है। और यहीं पर जो छोटी मोटी गाड़ियाँ वगैरह है वो पार्क की जाएगी, मतलब दुकानदारों की। और जो पार्किंग वगैरह है आपको साइड पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे इष्ट मित्र भी बैठे हुए हैं सामने और ये पूरा मार्केट रहने वाला है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम लड्डू मार्केट से आगे पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पर खड़े गणेश जी का पुराना जो मेन गेट है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा और इससे हम आगे अंदर चलेंगे। ये पूरा यहाँ पर मंदिर परिसर है, इधर देख सकते हैं आप यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह पार्क होती है। पूरा लड्डू मार्केट यहाँ पर है, सामने आप देख सकते हैं गणेश जी का जो उद्यान का मेन गेट है यहाँ पर। और इससे हम आगे चलेंगे फिर आपको आगे दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं मेन गेट से अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आज काफ़ी शांति है, लेकिन कल जब आप यहाँ पर आएंगे तो काफ़ी सारी जो भीड़ आपको देखने को मिलेगी। सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर गणेश उद्यान का मेन गेट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये यहाँ पर छोटा सा गार्डन बना हुआ है। और इधर भी आप देखेंगे तो कल यहाँ पर काफ़ी सारी जो शॉपें आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी सारे जो भामाशाह हैं यहाँ पर जो ठंडाई वगैरह मतलब छाछ वगैरह है दूध वगैरह है वो अपनी सेवा देते रहते हैं यहाँ पर। और इधर भी जो छोटी छोटी दुकानें हैं आपको देखने को मिलेगी, ये जो भी आप फुटपाथ देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी जो छोटी मोटी दुकानें हैं मतलब यहाँ पर पूजा सामग्री की, तो वो यहाँ पर लगाई हुई रहेगी मतलब। तो आगे लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी महोत्सव है, तो उसका जो होर्डिंग है यहाँ पर लग चुका है। और यहाँ पर एंट्रेंस के लिए रास्ता बनाया हुआ है, ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये गणेश उद्यान की तरफ जाता है, वहाँ पर मेन गेट है वो। और एक तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पर एंट्री की लाइन रहेगी। तो ये पूरा व्यू है यहाँ पर गणेश जी का, काफ़ी खूबसूरत जो दृश्य है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और आज तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पर गणेश जी के महोत्सव के लिए। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत जो दृश्य है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सामने आप देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पर प्रवेश रहेगा मतलब, और एक साइड से यहाँ पर एग्जिट रहेगा। तो अगर आप जूते चप्पल वगैरह पहन के आ रहे हैं तो अपनी व्यवस्था के हिसाब से आप रखिएगा और उसी के बाद में मंदिर में प्रवेश करिएगा, क्योंकि जब यहाँ पर आप आगे आएंगे तो जो जूते चप्पल वगैरह है यहाँ से आपकी जो एंट्री है वो लगभग बंद रहेगी जूते चप्पल के साथ में, और विदाउट जूते चप्पल आपको अंदर मंदिर में प्रवेश करना पड़ेगा।
तो सीधा मैं आपको अंदर मंदिर परिसर में लेकर के चल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो फाउंटेन वगैरह लगे हुए हैं, तो फिलहाल इनकी जो लाइटें वगैरह है वो बंद पड़ी है, और पहले ये जो फुहारे जब चलते थे काफ़ी खूबसूरत जो दृश्य यहाँ पर दिखाई देता था। तो फिलहाल देखिए मंदिर परिसर यहाँ पर सज चुका है, और यहाँ पर तालाब भी है, इसमें काफ़ी सारी जो छोटी छोटी मछलियाँ वगैरह है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए इसमें जो काफ़ी सारे जो कमल के फूल वगैरह हैं ये यहाँ पर उगे हुए हैं। थोड़ा मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखिए आप, यहाँ पर काफ़ी सारे जो छोटे मोटे कमल के पौधे हैं ये उगे हुए हैं। और यहाँ पर ये एंट्री गेट है, तो यहाँ पर अभी देखिए बैरिकेड वगैरह लगा दिए गए हैं, और खूबसूरत जो फूलों से यहाँ पर मंदिर परिसर को सजा दिया है। इधर आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पर तालाब बना हुआ है, और कई बार ये जो तालाब फुल होता है तो मंदिर परिसर तक जो पानी वगैरह है वो पहुँच जाता है। तो जब कल यहाँ पर आ पाएंगे तो जिस साइड में अभी चल रहा हूँ उसी साइड पे आपको चलना होगा। इस साइड पे कल यहाँ पर पुरुषों की लाइन रहेगी, और इस साइड पे महिलाओं की लाइन रहेगी। और जो निकासी वाली लाइन है आप देख सकते हैं जहाँ पर ये अभी गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ से होते हुए आपको मंदिर से बाहर निकलना होगा। तो अभी मैं आपको और आगे लेकर के चल रहा हूँ किस तरीके की जो तैयारियाँ यहाँ पर गणेश चतुर्थी महोत्सव को लेकर के की गई है। ये देखिए रात को 12 बजे से जो दर्शन है यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, और भक्तों की जो भीड़ है, भक्तों का जो सैलाब है यहाँ तक पहुँच जाता है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर खड़े गणेश जी मंदिर को सजा दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हर बार जो मंदिर को सजाया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर इस बार यहाँ पर जो चमकीली जो लड़ वगैरह यहाँ पर लगाई हुई है, और पिछली बार यहाँ पर फूल वगैरह वो लगा दिए गए थे। ऊपर आप देखेंगे तो फ्लाइंग करते हुए जो पक्षी हैं आपको दिखाई देंगे। तो आपको मैं आगे लेकर के चलता हूँ यहाँ पर। फिलहाल अगर आप यहाँ पर आते हैं तो जूता स्टैंड यहाँ पर बनाया हुआ है, और दिन जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जूता स्टैंड बनाया हुआ है, तो अपने जूते चप्पल वगैरह आप यहाँ पर खोल करके और फिर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग के लिए चेयर वगैरह बनाई हुई है, और साथ में ये देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग वगैरह फिलहाल लगा दी गई है। कल जब आप यहाँ पर आएँगे तो काफ़ी सारे जो भक्त हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी भव्य माहौल रहता है यहाँ पर, क्योंकि ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पर खड़े गणेश जी विराजमान हैं, मतलब और खड़ी मुद्रा में यहाँ पर विराजमान हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर मंदिर की साज सज्जा, यहाँ पर बड़ा घंटा लगाया हुआ है, आप यहाँ पर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर हाजिरी लगा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंदिर परिसर है खड़े गणेश जी का, और यहाँ से कल आप गणेश जी महाराज के जो दर्शन वगैरह हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से कल व्यवस्था रहेगी, कोई भी जो भक्त है यहाँ पर इधर नहीं आ सकता, मतलब वहाँ से उधर बाहर निकलना होगा। और ये आप देख सकते हैं इधर यहाँ पर ये मंदिर परिसर है पूरा, तो यहाँ पर भक्तों के लिए ठहरने के लिए निकलने के लिए सारी कुछ जो व्यवस्था है यहाँ पर की हुई है। फिलहाल आप देख सकते हैं भगवान गणेश जी महाराज का यहाँ पर खूबसूरत मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित स्थान है यहाँ पर भगवान गणेश जी महाराज का। रात को जब यहाँ पर श्रृंगार वगैरह होगा तो काफ़ी भव्य मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और कल गणेश महोत्सव है तो उसकी जो तैयारियाँ वगैरह हैं यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से की हुई है। काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ पर इस मंदिर को सजाया हुआ है, और काफ़ी भव्य कल का जो गणेश महोत्सव रहने वाला है। भगवान गणेश जी महाराज के आप दर्शन कर सकते हैं, ये यहाँ पर खड़ी मुद्रा में गणेश जी महाराज विराजमान हैं। काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है यहाँ पर गणेश जी महाराज की। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए जो गणेश जी महाराज का जो नया मंदिर यहाँ पर बना है कितना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है, और अभी जो मौसम है आप देख सकते हैं कितना जो सुहाना भी यहाँ पर मौसम हो रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटी जो छतरी है यहाँ पर मंदिर परिसर में एक साइड बनी हुई है, और अगरबत्ती के लिए यहाँ पर स्टैंड वगैरह ये लगाया हुआ है। काफ़ी सारे जो भक्त हैं आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं गणेश जी महाराज के दर्शन वगैरह करने के लिए, तो कल यहाँ पर काफ़ी सारी जो भीड़ है आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ पीछे वाली साइड पर, और वहाँ पर भी दिखाऊँगा कि किस तरीके का जो मंदिर वहाँ पर भगवान शंकर का बना हुआ है। मंदिर परिसर से जैसे आप इधर की तरफ आएंगे पीछे वाली साइड की तरफ, तो यहाँ पर आपको एक जो धुना है वो देखने को मिलेगा। इसी के बाद में पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा स्पेस यहाँ पर बनाया हुआ है, और यहाँ पर देखिए जो बैरिकेडिंग वगैरह है वो भी कर दी गई है, मतलब पर्दे वगैरह यहाँ पर लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी जो भक्त हैं इधर उधर ना जाएँ। और ये यहाँ पर स्पेस बनाया हुआ है ताकि जो भी भक्त यहाँ पर आएँगे तो आराम से भगवान के जो दर्शन वगैरह है वो कर सकें। और पीछे आप देख सकते हैं ये मंदिर परिसर का पूरा नज़ारा है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए कितना खूबसूरत जो गुंबद है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और पीछे आप ये जो मंदिर देख रहे हैं ये भगवान भोलेनाथ का है, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर ये भी बना हुआ है,
और इसी के जस्ट पास में यहाँ पर जो छोटी सी बावड़ी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं पहले आपको लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जहाँ पर जो सभी दर्शनार्थी हैं वो दर्शन वगैरह करते हैं। तो फिलहाल देखें यहाँ पर कुछ जो बंदर वगैरह हैं ये भी आए हुए हैं और कुछ जो दर्शनार्थी हैं यहाँ पर थोड़ा सा घबरा रहे हैं क्योंकि खाने पीने की जो चीज़ें हैं भगवान भोलेनाथ के ऊपर यहाँ पर रखी हुई होती है, तो उनको खाने के लिए ये जो बंदर वगैरह यहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद जब यहाँ पर सीढ़ियों पर आप उतरेंगे तो इधर आपको एक छोटी सी जो बावड़ी है प्राचीन बावड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये बावड़ी मंदिर के समय की है और काफ़ी प्राचीन बावड़ी है। यहाँ पर आप देखते हैं जब पानी वगैरह भर जाता है यहाँ पर चारों तरफ तो इस बावड़ी में इसी तरीके का जो माहौल है आपको देखने को मिलता है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो मंदिर है अभी मतलब निर्माणाधीन प्रक्रिया में चल रहा है और काफ़ी लंबा और भव्य मंदिर यहाँ पर भगवान गणेश जी महाराज का बनने वाला है। यहाँ पर कल एग्जिट पॉइंट रहेगा, इस साइड से आप एग्जिट कर सकते हैं मंदिर से बाहर जाने के लिए। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर पूरा मंदिर परिसर घुमा दिया है। कल गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में यहाँ पर किस तरीके की जो तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है, काफ़ी भव्य यहाँ पर कल गणेश महोत्सव रहने वाला है, काफ़ी सारे जो भक्त हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एक बार फिर से गणेश जी महाराज की जय हो।